राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे, क्लास नाइन्थ चैप्टर वन। सबसे पहले देखें राइबोसोम्स फॉर्म द प्रोटीन। राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, जो प्रोटीन को बनाती है, उस मशीन को बनाने का काम किसका है भाई? राइबोसोम्स का है। तो देखा इनकी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा तंगड़ी है, क्योंकि ये मशीन ही बना देते हैं। अगला, दीज आर फॉर्म्ड इन द लिविंग सेल्स। ये दरअसल क्या होता है कि ये लिविंग सेल्स के अंदर बनते हैं, सिंस दीज आर साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ये खुद में एक क्या होते हैं, प्रोटीन बनाने की एक साइट है। साइट का मतलब एक जगह ऐसी है सेल के अंदर जहां प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, मतलब प्रोटीन बनाने का एक तरीके से कारखाना है। तो इस सेल के अंदर ये कारखाना पाया जाता है, इसका नाम क्या होता है? राइबोसोम्स, रिमेंबर इट। अगला है, ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलर एंड द लार्जर यूनिट्स। हर एक जो राइबोसोम्स होता है कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर एंड द लार्जर यूनिट्स, ये छोटी और बड़ी तरह की यूनिट्स को रखता है। बट देयर कंपोजिशन, लेकिन उनका जो संगठन होता है इज डिफरेंट। वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है इन द प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। तो लेकिन इनका जो कंपोजिशन है, संगठन है, यूकैरियोट्स में अलग तरह का होता है, प्रोकैरियोट्स में इसका अलग होता है। तो प्रोकैरियोट्स में देखेंगे एंड यूकैरियोट्स में इसका संगठन जो होता है, कंपोजिशन जो होता है, वो किस तरीके से अलग होता है। तो देखें अगर इन प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में देखें तो राइबोसोम्स आर ऑफ द 70F टाइप के। राइबोसोम्स जो होते हैं आपके 70F टाइप के होते हैं। इन यूकैरियोट्स में देखें तो राइबोसोम्स आर ऑफ द 80F टाइप के, जबकि यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं राइबोसोम्स? 80F टाइप के होते हैं। तो एस यहाँ पर मैंने बता दिया था, स्वीट वर्क के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है एस। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि एस यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है सही से, तो आप जो है चैनल में अंदर जाकर के मेरे वीडियो को ढूंढ सकते हैं। यूकैरियोट्स में डिफरेंस और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस यहाँ पर जो दिया है, वहीं आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ाया गया है, वहां मैंने ये भी चीज आपको समझाई है। तो ये था आपका राइबोसोम्स के बारे में, रिबोसोम्स के बारे में। तो रिबोसोम्स फिर से बता दें, रिबोसोम्स फॉर्म द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी ऑफ द सेल। तो ये क्या होते हैं कि रिबोसोम्स एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली मशीन का निर्माण करते हैं, या खुद अपने अंदर ही ये चीजों का निर्माण करते हैं। किसका? प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली मशीन का। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन बनाने वाली मशीन का निर्माण करते, कौन? रिबोसोम्स। ठीक है, अब है वैक्यूल्स। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी आपका क्लास नाइन्थ चैप्टर आपका वन। ठीक है, तो वैक्यूल्स के बारे में देखें, दीज आर द स्टोरेज सैक्स। मैं इनको इसीलिए तो बोरा पढ़ता हूँ, एक तरीके से क्या है कि जैसे बोरे नहीं होते, उनमें आलू वगैरह भरे जाते हैं, हम अपना जो भी मटेरियल होता है इकट्ठा करने का बोरे में डाल देते हैं, इसी तरीके से ये भी एक थैले का ही काम करते हैं, बोरे का काम करते हैं। तो वैक्यूल्स, दीज आर द स्टोरेज सैक्स। सैक्स का मतलब हो गया यहाँ पर, सैक्स का मतलब हो गया यहाँ पर बोरे से। तो ये एक तरीके से यहाँ पर थैले का काम करते हैं। दीज आर द स्टोरेज सैक्स हैं फॉर द सॉलिड लिक्विड मटेरियल। इसमें सॉलिड भी लिक्विड, मतलब सॉलिड मटेरियल भी आ जाता है और लिक्विड मटेरियल भी आ जाता है। इस तरीके के ये थैले हैं ऑफ द सेल। किसके हैं ये? सेल के, हमारे नहीं है। तो दीज आर लार्ज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज। ये दरअसल क्या होते हैं? सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन से पूरी तरीके से ये क्या है, चारों तरफ से बंधे रहते हैं। विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियोज में, आपको जाकर के देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के, उसमें ये पाया जाता है। जैसे मान लो कि ये सेल है, तो सेल में यहाँ लिक्विड जो भरा होता है, न्यूक्लियस वगैरह भी होते हैं, तो वहां पर ही ये अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। These are mainly found in the plant cell. ये मुख्य रूप से प्लांट सेल में पाए जाते हैं। Their size, इनकी जो साइज होती है, also large, very large, बहुत बड़ी होती है इन प्लांट सेल में। इनकी साइज जो होती है प्लांट सेल में कैसी होती है? बहुत ज्यादा बड़ी होती है। The central vacuole of some plant cell is so large. Central जो vacuole होता है प्लांट सेल का, वो इतना बड़ा होता है कि that it occupies 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। लगभग ये सेल का 50 से लेकर के 90% का वॉल्यूम जो है घेर लेता है। कौन? वैक्यूल्स घेर ही लेगा, क्योंकि सेल का जितना भी मटेरियल है आपका, लिक्विड और सॉलिड वाला, इकट्ठे करने का भैया इन्हीं का काम है। मतलब एक तरीके से ये स्टोर रूम है सेल के। तो इसलिए इनका जो है
हिस्सा जो होता है सेल के अंदर 50 से 90% तक होता है, इनका जो पार्ट होता है 50 से 90% तक पार्ट जो है सेल का ये घेर लेते हैं। अगला, इन एनिमल सेल देयर साइज इज वेरी स्मॉल, लेकिन भाई ये गड़बड़ है, एनिमल सेल में इनका साइज होता है बहुत छोटा, मतलब एनिमल जो होता है एक्सक्रीशन करता रहता है, इन्हें ज्यादा कुछ इकट्ठा करने के लिए नहीं देता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। तो मीनिंग थोड़ा आपको बता दें, स्टोरेज का मतलब होता है संग्रह, मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। लिक्विड को आपको मालूम होगा, लिक्विड मटेरियल होता है, द्रव मटेरियल हो गया। दीज मान होता है ये, आर मान है लार्ज, मान है बड़ी, सिंगल मेम्ब्रेन एक कोश की, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब ये नहीं है एक ही झिल्ली वाले, तो इनके ऊपर एक ही झिल्ली होती है, डबल नहीं होती। ठीक है, अच्छा। दीज आर मेनली फाउंड इन द प्लांट, ज्यादातर पौधों में पाए जाते हैं। देयर साइज इज ऑल्सो लार्ज, तो साइज जो होती है इनकी ये भी बड़ी होती है, काफी बड़ी साइज के होते हैं। वेरी लार्ज का मतलब तो बहुत बड़े। सेंट्रल जो बैक्यूल होता है, सेंट्रल में जो पाया जाता है बैक्यूल ऑफ द सम प्लांट, कुछ प्लांट का सेल इज सो लार्ज, इतना बड़ा होता है। सो लार्ज का मतलब होता है इतना बड़ा, दैट इट ऑक्यूपाइज अप टू द 50, ऑक्यूपाइज मतलब घेर लेता है, ऑक्यूपाइज का मतलब समझे, घेर लेता है लगभग 50 से लेकर के 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हो गया यहां पर आयतन। बेरी का मतलब होता है बहुत छोटा, स्मॉल मतलब होता है छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, ठीक है। तो ये हो गए आपके बड़ मीनिंग।